हाय गाइस, आप देख रहे हैं टेक प्लेनेट और मैं हूं प्रियांशु आपके साथ इस नई वीडियो में अपनी और बताऊंगा आपको आज अपने ओपिनियन नोट 5 प्रो के बारे में, जो शाओमी ने आज ही 12 बजे फ्लिपकार्ट पे अपना नोट 5 प्रो लॉन्च किया है। तो आज मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा क्योंकि ये फोन मुझे काफी जानदार फोन लगा जिस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुआ है। तो अगर पहले मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो शाओमी का जो नोट 5 प्रो है वो दो रैम वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 4GB रैम वेरिएंट एंड 6GB रैम वेरिएंट। तो जो 4GB रैम वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 13,999 का और जो उसकी 6GB वेरिएंट है वो मिल जाएगा 16,999 का, अप्रॉक्सीमेटली 14 और 17,000 में ये मिल जाते हैं। तो चलिए फटाफट मैं पहले इसका आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। तो Xiaomi का Note 5 Pro आता है 5.9 इंच की 18:9 फुल विजन डिस्प्ले के साथ आता है ये फोन। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो ये पहला फोन है वर्ल्ड का जिसमें स्नैपड्रैगन का नया Qualcomm स्नैपड्रैगन 636 यूज हुआ है, जो काफी पावरफुल ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो की कोर यूज करे गए वो कायरो कोर यूज करे गए हैं जो कोर्टेक्स A73 के साथ काम करते हैं। तो एक पावरफुल प्रोसेसर है ये एक नया जिसमें, और अगर हम इसके जीपीयू की बात करें तो नया जीपीयू इसमें Adreno 509 जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये काफी गेमिंग के लिए काफी अच्छा फोन साबित होगा और मतलब मल्टीटास्किंग तो मतलब आराम से हो जाएगी क्योंकि 6GB रैम और 4GB रैम में आ रहा है फोन। बैटरी की बात करें तो 4000mAh की बैटरी है, काफी अच्छी बैटरी है क्योंकि Xiaomi से बैटरी काफी अच्छी ही मिलती है हमें। और इस बार कैमरे का भी तो मेन एक्सेप्ट इसका कैमरा भी है, एक प्रोस्पेक्टिव मेन इसका जो देखें तो इसमें ड्यूल कैमरा यूज करे हैं Xiaomi ने 12+5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। मैं Xiaomi का ये लाइव शो देख रहा था जिसमें फोन लॉन्च करा, तो जो उन्होंने पिक्चर दिखाई वो काफी अच्छी थी फ्रंट कैमरे से भी, और फ्रंट कैमरे में भी आपको पोर्ट्रेट मोड है जो कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए लिया जाता है क्योंकि इसमें ड्यूल कैमरा नहीं है। और जो अगर आप रियर कैमरे की बात करें तो उसमें ड्यूल कैमरा है, पोर्ट्रेट मोड, काफी अच्छी फोटोज आ जाती हैं पोर्ट्रेट मोड में। हाँ, हालांकि ये मतलब आप नोट सीरीज में देखेंगे या किसी भी रेडमी फोन में Xiaomi के फोन में देखेंगे तो इतने अच्छी कैमरे के बारे में थोड़ी कंप्लेंट सी रहती है, मुझे इतने खास लगे नहीं इसके कैमरे, पर इस सैंपल पिक्चर्स देख के मुझे काफी अच्छे लगे जो Xiaomi Note 5 Pro के कैमरे रिजल्ट हैं, तो वो काफी अच्छे हैं। रियर तो है ही और फ्रंट तो काफी अच्छा लगा मुझे। हालांकि लाइव शो के दौरान Xiaomi ने अपने फोन के कैमरे को कंपेयर करा Pixel 2 XL से और iPhone 10 से, तो ये मुझे कुछ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस सा लगा Xiaomi का। मुझे नहीं लगता कि इसका Note 5 Pro का कैमरा कहीं भी स्टैंड करता है Pixel 2 XL और iPhone 10 के कैमरे से, तो ये मुझे कुछ एक बेतुकी बात सी लगी जो उन्होंने इतना कंपेयर करा इतने फ्लैगशिप फोन से। और अगर मैं बात करूँ इन्होंने ये भी कंपेयर करा, मुझे एक और बात थोड़ी सी अलग लगी कि इन्होंने सेगमेंट में कंपेयर करा कि ये OnePlus 5T के सेगमेंट में आना चाहिए ये फ़ोन, मुझे ये भी बिल्कुल थोड़ी सी गलत सी बात लगी क्योंकि जो OnePlus 5T और ये रेंज है उनमें स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर यूज़ हो रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छे प्रोसेसर है जिनकी स्पीड, और OnePlus 5 मुझे नहीं लगता कि OnePlus 5T की स्पीड से कंपेयर कर पाएगा ये फोन। तभी मतलब एक अजीब सा लगा कि मुझे कि OnePlus 5T से इनको कंपेयर करने की कोई जरूरत लगी नहीं मुझे ये, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये हो रखा है उस सेगमेंट में काफी अच्छा फोन है। हाँ, और अब चलो अब मैं इसकी बात करता हूँ आगे, तो फोन ये अच्छा है क्यों, तो इसके एक तो नई चीज मुझे लगी कि इसमें इन्होंने फुल विजन डिस्प्ले दिया है जो कि काफी अच्छे और शार्प है। और बात करें इसके कैमरे क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि लाइव शो के दौरान उन्होंने जो इमेज रिजल्ट दिखाए थे वो मुझे काफी अच्छे लगे। अब देखना है कि असलियत पे फोन कैसा खींचता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी बेटर कर सकता है कैमरे परफॉर्मेंस, मुझे लगता है Xiaomi ने काफी अपग्रेड करी है तो ये काफी अच्छी बात है। रैम मैनेजमेंट भी मुझे काफी अच्छा लगा इस फोन में, जो 4GB और 6GB वेरिएंट्स दिए हैं इन्होंने, तो अंडर 20,000 ये एक बेस्ट फोन हो सकता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ प्रोसेसर की तो अब तक काफी अच्छा प्रोसेसर यूज कराया Xiaomi ने जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 636 का प्रोसेसर है जो कि कायरो के कायरो कोर्स हैं जो कि एक फ्लैगशिप फोन में जो स्नैपड्रैगन 800 सीरीज 820 835 845 में यूज होते हैं, तो ये फोन एक काफी शानदार फोन हो सकता है परफॉर्मेंस के मामलों में भी और कैमरे के मामलों में भी। हालांकि मुझे बेकार लगा था कि उन्होंने एक फ्लैगशिप Pixel 2 XL जिसका एक बेस्ट कैमरा है अभी तक का उससे कंपेयर करा, तो ये थोड़ा बेकार है, मुझे नहीं लगता कहीं स्टैंड कर पाएगा इसका कैमरा, यहां तक कि OnePlus 5T भी आई थिंक मुझे लगता है कि बेटर कैमरा ले सकता है, लेकिन अभी हम बिना कोई कंपैरिजन करें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अंडर 20,000 में ये फोन काफी अच्छा फोन है। अगर बात करूं अगर आपको नोट 4 से अपग्रेड करना है तो नोट 5 पे बिल्कुल नहीं करिए, नोट 5 प्रो पे करिए, क्योंकि जो नोट 5
है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे। सेम प्रोसेसर दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, कैमरे को थोड़ा अपग्रेड सा करा है और वो बाकी उन्होंने स्क्रीन साइज कराया तो थोड़े से पैसे और मिलाइए। और इस पे मुझे लगता है नोट 5 प्रो आपको खरीद लेना चाहिए नोट 5 के जरिए, क्योंकि ज़्यादातर वो नोट 4 जैसा ही है, ज़्यादा कुछ बदलाव उसमें करे नहीं है। तो नोट 5 प्रो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अंडर 20,000 में, और अगर आप अंडर 15,000 में अगर आप उसके लिए 4GB वेरिएंट लें तो ये काफ़ी शानदार फ़ोन है, आप बिल्कुल लीजिए। और मुझे लगता है ये अंडर 20,000 बेस्ट फ़ोन हो सकता है। तो थैंक यू, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मैंने अपने ओपिनियन बताया, आप भी कमेंट करके अपने ओपिनियन बताएं, लिंक और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को।